सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप कोई फोन खरीदने की सोच रहे हो और आपका बजट 12 से 13 हज़ार रुपये के बीच में है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जिनको आप फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल से खरीद सकते हो इसी महीने। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट सिर्फ 12 से 13 हज़ार रुपये के बीच में होता है और वो दोस्तों एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिनमें उनको वो सब कुछ मिले जो एक गैलेक्सी फ़ोन में होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो आपको 12 से 13 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाएंगे और दोस्तों वो काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं जिनमें आपको सारे फीचर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको उन 3 स्मार्टफोन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, पहले फ़ोन की बात करें तो ये आता है रेडमी की तरफ से, जो है दोस्तों रेडमी का नोट 9 प्रो। दोस्तों, ये फ़ोन आपको अमेजन सेल के अंदर 13 हज़ार रुपये तक मिल जाएगा, 4GB 64GB वाला। दोस्तों, इसके काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं। इसमें आपको 4 कैमरा सेट दिया गया है। इसका जो मेन कैमरा है वो 48 MP का है और दोस्तों इसके अंदर आपको 5020mAh की बैटरी दी गई है, जो कि दोस्तों एक काफ़ी बड़ी बैटरी है। और दोस्तों, इसकी बॉडी की बात करें तो इसमें हमें दोस्तों ग्लास बॉडी देखने को मिलती है और ये दोस्तों एक फुल एचडी फ़ोन है। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको सारे फीचर देखने को मिलेंगे और दोस्तों इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ी है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा फ़ोन है 12 हज़ार रुपये के अंदर। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो ये फ़ोन आपको 11,700 रुपये मिल जाएगा इस सेल के अंदर, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, आप इसे खरीद सकते हो अगर आपको रेडमी का फ़ोन पसंद है तो। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे फ़ोन की, जो है दोस्तों रियलमी का Realme 7। दोस्तों, ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट की सेल में 14,000 रुपये का देखने मिल जाएगा। अगर आप इसे कैश पेमेंट करते हो तो आपको इसके ऊपर 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने मिलेगा और अगर दोस्तों अगर आपके पास SBI कार्ड है तो आपको 10% का डिस्काउंट देखने को और मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये फ़ोन आपको 12,600 रुपये में पड़ सकता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन के अंदर हमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है और दोस्तों इस फ़ोन के कैमरे भी काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, एक ये रियलमी का लेटेस्ट डिवाइस है, अगर आपको रियलमी डिवाइस अच्छे लगते हैं तो आप इस फ़ोन को 12,600 रुपये में खरीद सकते हो अगर आपके पास SBI कार्ड है तो। दोस्तों, काफ़ी अच्छी डील है 12,600 रुपये में, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को अभी खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको आउट ऑफ स्टॉक देखने मिलेगा और इसकी जो प्राइस है वो 14,000 रुपये है, लेकिन ये सेल में आपको 12,600 रुपये में पड़ सकता है। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे फ़ोन की तरफ, जो कि इस लिस्ट का सबसे अच्छा फ़ोन है। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको चाइनीज़ फ़ोन अच्छे नहीं लगते, जिनको सिर्फ सैमसंग के फ़ोन चाहिए होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सैमसंग के गैलेक्सी A50s की, जिसका दोस्तों जो बेस वेरिएंट है 4GB 128GB वाला, अभी आपको 18,500 रुपये देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पर, लेकिन अगर आप इसे फ्लिपकार्ट सेल में खरीदते हो तो ये आपको सिर्फ 14,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास SBI कार्ड है तो ये फ़ोन सिर्फ आपको 12,600 रुपये में पड़ सकता है, जो दोस्तों एक काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपको सैमसंग के फ़ोन काफ़ी अच्छे लगते हैं, आपको सैमसंग आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा काफ़ी अच्छा हो, देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन लगे, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हो सिर्फ 12,500 रुपये में। अगर आपके पास SBI कार्ड है तो ये फ़ोन आपको सिर्फ 12,600 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपका बजट दोस्तों सिर्फ 12-13 हज़ार रुपये है तो आप इन तीनों फ़ोन में कोई सा फ़ोन ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो दोस्तों चाइनीज़ फ़ोन ना हो, अच्छी ब्रांड का हो, उसकी सर्विस आपको अच्छी मिले, अच्छे कैमरा देखने को मिलें और दोस्तों जिस फ़ोन की अच्छी डिस्प्ले हो, तो आप सैमसंग गैलेक्सी A50s को ले सकते हो 12,600 रुपये में, जो कि दोस्तों मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि अगर आप इस फ़ोन को अभी खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको 18,500 रुपये देखने मिलेगा फ्लिपकार्ट पर। तो दोस्तों 12,600 रुपये में ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इन तीनों फ़ोनों में से आप किसी भी फ़ोन को ले सकते हो। अगर आपको रियलमी का पसंद है तो आप Realme 7 ले सकते हो, अगर आपको रेडमी फ़ोन अच्छे लगते हैं तो आप रेडमी का Note 9 Pro ले सकते हो, और अगर आपको गैलेक्सी A50s पसंद है तो आप सैमसंग का गैलेक्सी A50s ले सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप 12-13 हज़ार रुपये में कौन सा फ़ोन खरीद सकते हो अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।